जिले में पुलिस और पब्लिक के बीच के रिश्तों को और मजबूत करने के लिए अब हर सप्ताह में बुधवार को पुलिस अफसर थाने में चौपाल लगाएंगे और वहीं पर रात में रुकेंगे, जिसके संबंध में एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशानुसार रात्रि चौपाल से आम पब्लिक में पुलिस के प्रति विश्वास बढ़ेगा और थानों की कार्यप्रणाली में भी सुधार होगी। एसएसपी ने बताया कि इसके लिए रोस्टर तैयार किया गया है। शाम 5 बजे से अगले दिन सुबह तक थाने पर मौजूद रहकर पुलिस अधिकारी वहां के नागरिकों, जनप्रतिनिधियों, चौकीदारों व पुलिस कर्मियों से सीधा संवाद करेंगे। इतना ही नहीं, इस दौरान पुलिस अधिकारी संबंधित थाने का निरीक्षण और इलाके का भ्रमण करने के साथ ही थाने की कार्यप्रणाली को और भी बेहतर बनाने की दिशा में प्रभावी कदम उठाएंगे। पुलिस चौपाल में खासकर महिलाओं की समस्याओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा ने कहा, जनपद गोरखपुर में माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशानुसार जन सुनवाई को बेहतर करने के लिए, थाने की कार्यप्रणाली में सुधार के लिए और जनप्रतिनिधियों और जनता से बेहतर संवाद के लिए हर बुधवार को पुलिस के राजपत्रित अधिकारी एक एक थाने में रात्रि विश्राम करेंगे। इस कार्यक्रम को पुलिस चौपाल का नाम दिया गया है। अपने रात्रि विश्राम के दौरान ये राजपत्रित अधिकारी संबंधित थाने के जनप्रतिनिधियों, वहाँ की जनता, वहाँ के पुलिसकर्मी, चौकीदार और अन्य संप्रांत नागरिकों से वार्ता करेंगे और क्षेत्र की पुलिसिंग के बारे में, उनकी शिकायतों के बारे में, समस्याओं के बारे में और सुझावों के बारे में जानकारी करेंगे। इस दौरान वो थाने की कार्यप्रणाली भी चेक करेंगे और पूर्ण अपने आवास के दौरान थाने पर वो किसी भी वक्त कोई भी शिकायतकर्ता जाकर उनसे मिल सकता है, अपनी समस्या बता सकता है। विशेष रूप से जो महिलाएं हैं क्षेत्र की, उनकी समस्या के निस्तारण के लिए और महिला पुलिसकर्मियों की वेलफेयर के लिए ये हमने कार्यक्रम किया है, जो कि अब से लगातार हर बुधवार को ये किया जाएगा और हर बुधवार को थाने बदल बदल कर राजपत्रित अधिकारी रात्रि विश्राम थानों पर करेंगे। इसमें मैं स्वयं भी रात्रि विश्राम करूँगा और इसका पहले से ही हम एक कार्यक्रम जारी करेंगे जिसमें कि लोगों को जागरूक किया जाएगा, जहां वो जाकर संबंधित थाने में अपनी शिकायत जनप्रतिनिधियों के द्वारा या सीधे अपनी शिकायत राजपत्रित अधिकारियों को दे सकते हैं।